हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंस्ट्रक्टर के बारे में, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बारे में। इससे कुछ दिन पहले 36वां आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी, उसका एग्जाम भी हो गया। बच्चे खुश भी हो गए, कितने के अच्छे नंबर आए तो बच्चे खुश भी हो गए, तो अब मेरा जॉब हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या एक दिक्कत आई है, जिनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अदर स्टेट का है उनको बाहर कर दिया जा रहा है। पहले तो बोला गया था कि किसी भी सरकारी संस्थान से एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या किया गया कि उसमें तरह तरह से नियम लाए गए। कभी नियम यह है कि पोर्टल में आपका नाम होना चाहिए, आईटीआई का जो पोर्टल होता है उस पर नाम होना चाहिए। अभी बोला जा रहा है कि आपका जो पेमेंट मिलता था उसमें पीएफ नंबर होना चाहिए, पीएफ कटना चाहिए। कुछ बोला जा रहा है कि से अगर अदर स्टेट के है तो वो मान्य नहीं होगा। उसमें हम कुछ प्रूफ दिखाने जा रहे हैं। प्रूफ हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो एरो का निशान है वहाँ पे लिखा हुआ है संचालनालय के निर्देशानुसार राज्य के बाहर के अनुभव का मान नहीं किया जाएगा, यानी कि अनुभव को अमान्य किया गया है। ये चीज लिखा हुआ है, यानी कि इसमें एक चीज कंफर्म हो गया कि जो बाहर से आप बनवा रहे हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मान्य नहीं होगा। तो हम बिहार में जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, यूपी में जो कर रहे हैं, उनके लिए एक ये नोटिस है, वो संभल जाए। इसके बारे में थोड़ा सा केयर करें, क्या है ना है। देखिए, एक फर्स्ट वाले में भी है कि संचालक निर्देश राज्य के बाहर से अनुभव अपात्र मान गया, फिर दूसरा को होल्ड रखा गया है, फिर थर्ड नंबर पे ये अपात्र है, फिर फोर्थ नंबर पे भी ये स्कूल से अनुभव लिए थे, इसको भी अमान्य कर दिया गया। ये अन्य संस्था से लिए थे, इनको भी अमान्य कर दिया गया। बस एक को पात्र किया गया है। संचालक निर्देशन जन्म तिथि के समर्थन को प्रस्तुति 10वीं के अभिलेख का पुनः सत्यापन कर जन्म तिथि सहित पाया गया। दस्तावेज संलग्न पत्र क्रमांक संख्या इतना इतना है। तो इतने बच्चों में सिर्फ एक को मान्य किया गया है। तो थोड़ा इसमें क्लियर करना है क्या है नहीं है, तो आपको एक छोटी सी जानकारी हमको देनी थी, तो हम जानकारी दे दिए हैं। थैंक यू।